कैमरा रोलिंग ओके मुझे इंट्रो दे देना पहले ओके नमस्कार, मेरा नाम है जयशंकर राधे और मेरा मालवीय नगर बस स्टैंड के पास एक बहुत ही मशहूर फूड ट्रक है। वैसे खाने की वैरायटी में कोई कमी नहीं है, चाइनीज से लेकर नॉर्थ इंडियन से लेकर मैक्सिकन सब कुछ मिलता है मेरी दुकान पे। मेरी दुकान की खासियत यह है कि अगर आप मेरी दुकान पे आ रहे हैं तो या तो आप पेट भर के जाएंगे या तो जेब खाली करके। देखिए, मेरी दुकान पे मेल, फीमेल, गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, ट्रांससेक्सुअल, नॉन बाइनरी सारे टाइप के लोगों के लिए जगह है, एक्सेप्ट फॉर फूड ब्लॉगर। क्योंकि देखिए सर, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत, शौहरत, इज्जत, एक्सेप्ट फॉर मेंटल पीस। तो इंसान बहुत कमाल की चीज है, और ऐसा मैं नहीं, बायोलॉजी कह रही है। विज्ञान के शब्दों में बात करी जाए तो आज से अप्रोक्सीमेटली 40,000 साल पहले जब हमारे MDH वाले बाबा ने प्यूबर्टी हिट करी थी, तब हमारे एंसेस्टर्स होमो नेदर पोर्टल व्हाट निंडर टाइल होमो निन होमो निंडर टाइल्स या दैट नियांडरथल। दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इनका DNA स्टडी करते समय एक बात नोटिस करी कि ये लोग कंपेटिटिव बहुत है। और ये फिक्शन नहीं, फैक्ट है, क्योंकि जब साइंटिस्ट हमारे पूर्वजों का साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन एंड एनालिसिस कर रहे थे तो उन्हें पता लगा कि दे यूज्ड टू फ्लेक्स और शुड आई से असर्ट डोमिनेंस यूजिंग फूड ना भाई जो मेरे से और खाने के थ्रू डोमिनेंस असर्ट करने के भी बहुत तरीके होते थे। जैसे उनमें से एक था कि वो केले को और पपीते को और ये जो मिशनरी पोजिशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसी एक्टिविटी कहाँ गए वो सुनहरे दिन। बट अगर आज की बात करी जाए तो नाउ वी आर इवॉल्व्ड, सिविलाइज्ड, स्मार्ट, सरकमसाइज्ड। इंसान का दिमाग एक ऐसी चीज है जिसको पढ़ने के बाद आपको रियलाइज होता है कि आपको ये सब पढ़ने के लिए डिग्री के नहीं कोकेन की जरूरत ज्यादा है। सर, मैं 4 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। एक बंदा है मेरी दुकान पे, अब उसके पास आईफोन था तो मैंने अज्यूम करा कि वो एक अमीर आदमी है, अज्यूम करा, और मैं सही निकला क्योंकि वो 2000 का खाना खा के गया प्लस पैक भी कराया। और जाते समय मुझसे कहता कि अपना नंबर दे दो, आपकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है फ्यूचर में। और मैं बिजनेस मैन आदमी, अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए दे दिया नंबर। सर, मैं कसम से बता रहा हूँ, आज अगर मेरे पास एक टाइम मशीन होती तो मैं सबसे पहले एप्पल में इन्वेस्ट करता, फिर उसकी माँ चोदने जाता, मेरी दुकान पे आता था, खाना खा के जाता था, पैसे देता था, एंड दैट्स इट। ऐसा 4 महीने चलता रहा, एवरीथिंग वाज नॉर्मल अंटिल मैंने उससे गलती से पूछ लिया कि सर आप करते क्या हो। उसने बोला मैं पेशे से फूड ब्लॉगर हूँ, मैं खाने की वीडियोस ऑनलाइन बना के डालता हूँ, उससे मुझे पैसे मिलते हैं। उसी दिन कोइंसिडेंटली उसके पास उसका वॉलेट नहीं था और उसी दिन उसने मुझे पहली बार पेमेंट के नाम पे शाउट आउट दिया। देखिए, आमतौर पर शाउट आउट से लोगों का बिजनेस बढ़ता है, क्लाइंट्स और प्रॉफिट तो दूर की बात है। मेरी दुकान पे और भी ज्यादा फूड ब्लॉगर्स आ गए। मैं दिन के 5 फूड ब्लॉगर से डील करता हूँ और उनकी करेंसी शाउट आउट ही होती है। वो पैसे नहीं दे रहे मेरे को, वो मुझे शाउट आउट दे रहे हैं, जिससे और फूड ब्लॉगर्स आ रहे हैं जो कि मुझे और शाउट आउट दे रहे हैं। मैं एक शेफ था जिसको इन चूतियों ने शाउट आउट दे दे के एक सेलिब्रिटी बना दिया है। नाउ आई एम ए सेलिब्रिटी शेफ, सोशल मीडिया पे मैं बहुत फेमस हूँ तो लोग अज्यूम कर लेते हैं आजकल कि मैं बहुत पैसा छापता हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे लाले लगे हुए हैं, मैं घर का लोन तक नहीं भर पा रहा अपना। ये जितने भी फूड ब्लॉगर्स आते हैं ये सारे के सारे शॉर्ट आउट दे के चले जाते हैं। उस दिन एक लड़की आई, उसने 40 रुपए के मोमोज ऑर्डर करे और उसके लिए मुझे शॉर्ट आउट दिया। मेरे पास मोमोज के लिए 40 रुपए नहीं है बहन, जो मेरे को शॉर्ट आउट दे रही है। पता है फूड ब्लॉगिंग की ऑडियंस होती है विक्टिम नहीं, इनका सिस्टम ऐसे काम करता है कि मैं इनके लिए खाना बनाता हूँ, ये उस खाने की फोटो वीडियो डाल के इंस्टाग्राम पे डालते हैं, मुझे पैसों की जगह शॉर्ट आउट मिलता है जिससे लौड़ा कुछ होता है और इन्हें फॉलोअर्स मिलते हैं। ये टेक्निकली मेरे से फेम खरीद रहे हैं। कॉन्टेंट की बात करी जाए तो मुरथल के पराठों के साथ अगर तुम मम्मी का ग्राइंड रिमिक्स चला दोगे डेट इज नॉट कॉन्टेंट। और इनके खिलाफ रिवोल्ट करता हूँ तो मुझे धमकी देते हैं कि भोसड़ी का तुझे ट्विटर पे कैंसिल कर देंगे बोल के कि तू नॉनवेज मोमोज में कुत्ते के गोटे यूज करता है। सर, टेक्निकली मैं एक ठेले वाला हूँ, फूड ट्रक ओनर ये सब साउथ दिल्ली के लैंग्वेज हड़ा से, मैं एक ठेले वाला हूँ और मुझे कैंसिल होने का डर लग रहा है, वो भी ट्विटर पे। एट द एंड मैं इतना कहना चाहूँगा कि खाने को एंजॉय करें, यूज़ नहीं, क्योंकि फिर रेलेवेंसी की कीमत फिर एक मोमोज प्लेट के बराबर रह जाएगी। और मेरे पैसे दे